कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल और हरि ब्रह्मानंदे हरि हरि ओम ज्ञान तिमिरामस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश सह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च
कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं जथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज एक विशेष तिथि है। आज क्या है कहते आज श्री श्री रामचंद्र आज लंका के ऊपर में उन्होंने विजय प्राप्त किया है, इसलिए आज तिथि को क्या कहते हैं? हाँ, विजय महोत्सव। हाँ, विजय दशमी। आज भगवान राम ने लंका के ऊपर विजय प्राप्त किया, आज विजय दशमी आज है। इसलिए हमारे चिराग प्रभु कुछ बोलेंगे, अभी वो आएगा, आए उठाए उसको माधवाचार्य जी का। हाँ हाँ, इसलिए आज हमारे संप्रदाय का जो आचार्य श्री मध्वाचार्य है, इनका भी आज आविर्भाव तिथि है। इसलिए हमारे पद्म पुराण में बताए कहते अगर ये कलयुग में अगर कोई भगवान को ठीक ठीक रूप में पाना चाहते हैं, तब पद्म पुराण में बताए संप्रदाय विहिना जे मंत्रास्ते है विपला मता अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वार संप्रदाय। इसका मतलब है ये भगवान खुद कहते हैं ये कलयुग में अगर मेरे पास में कोई आना चाहता है, मैं चार वैष्णव संप्रदाय ये कलयुग में सृष्टि करूँगा। हैं, चार वैष्णव संप्रदाय कौन सा है? बोले श्री संप्रदाय है, एक श्री श्री संप्रदाय जिसमें और उसमें जो आचार्य हुए श्री रामानुज आचार्य, ये कौन हैं? कहते राम के अनुज मतलब लक्ष्मण, जिस संप्रदाय को उन्होंने हैं जो चलाया आगे श्री रामानुजाचार्य। फिर दूसरा जो संप्रदाय हुआ कहते श्री ब्रह्म संप्रदाय, और जिसमें आचार्य हुए श्री मध्वाचार्य, जिसने आगे ये संप्रदाय को उन्होंने आगे उन्होंने चलाया। बोले तीसरा जो संप्रदाय हुआ कहते श्री रुद्र संप्रदाय हैं, श्री रुद्र संप्रदाय जिसमें आचार्य हुए श्री कहते श्री विष्णु स्वामी हुए, जिसने ये संप्रदाय को धीरे 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 उन्होंने आगे चलाया। और एक संप्रदाय हुआ जिसको सनक संप्रदाय, ब्रह्मा का सर्वप्रथम जो सृष्टि चतुसन सनक सनातन सनातन और सनत कुमार है, ये ब्रह्मा का ये मानस पुत्र हुए। इसमें एक आचार्य हुए जिनका नाम श्री निम्बार्क आचार्य है, निम्बार्क कहते जिन्होंने धीरे 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 ये आगे ये संप्रदाय को उन्होंने आगे चलाया। इसलिए कहते भगवान खुद कहते हैं अगर ये कलयुग में कोई मेरे को ठीक ठीक रूप में अगर कोई पाना चाहते हैं, कहते ये चार वैष्णव संप्रदाय में कोई एक संप्रदाय को हमें आश्रय लेना पड़ेगा, कोई एक संप्रदाय को हमें आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए इसका नाम है संप्रदाय। संप्रदाय मतलब क्या है? सम मतलब होता है सम्यक रूप में बा ठीक ठीक रूप में, प्र मतलब होता है प्रदान जो करता है किसको, जो ठीक ठीक रूप में हमें जो भगवान तक सही सही पहुंचा दे, इसलिए इसका नाम संप्रदाय। इसलिए जो धर्मशाला है ना वो भी लिखा हुआ वैष्णव धर्मशाला, वैष्णव धर्मशाला। इसलिए
श्री पद्म पुराण का जो भागवत का महात्म है, जब श्री नारद जी इसी जगत में आए मर्त्य जगत को, हैं, उन्होंने सर्वत्र भ्रमण किया, उनको शांति नहीं मिली। तब उन्होंने नारद जी इसी मर्त्य जगत में आए, जब आए उन्होंने देखा बहुत तो साधु है, इधर उधर बहुत साधु घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने देखा ये वैष्णव संप्रदाय साधु कोई है नहीं। इसलिए जिसको देख करके नारद जी दुखी हो गए, हैं, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय के अनुरूप साधु उनको देखने को नहीं मिला। अभी ये प्रश्न होता है, अरे भक्ति करना तो जैसे होता है वैसे भक्ति करना, फिर तुमको ये संप्रदाय बनाने का क्या जरूरत है? भक्ति करोगे तो वैसे करो जैसे मन में हो रहा, इच्छा हो रहा है कर लो, पर ये सब संप्रदाय बनाने का क्या जरूरत है? तब भगवान कहते हैं, अगर मैं ये वैष्णव संप्रदाय नहीं बनाता तो लोग क्या करते? अपना मन मर्जी, मेरे मन में जो इच्छा हुआ मैं अपना मन मर्जी करना शुरू कर दिया, आपका मन में जो इच्छा होगा आप भी एक नया नाम निकाल दोगे, उनका जो इच्छा होगा वो भी अपना मन मर्जी कुछ कर देंगे। लेकिन भगवान कहते हैं, लेकिन तुम मेरे पास में कैसे आओगे ये मेरे को पता है। किसको पता है? ये भगवान को पता है, तुम मेरे पास में कैसे आओगे मेरे को पता है। इसलिए अगर ये वैष्णव संप्रदाय को भगवान नहीं बनाते तो लोग अपना मनमर्जी अपना धंधा चलाना शुरू कर देते, ठीक ठीक रूप में भगवान को पास में जीव नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए भगवान ने क्या किया, हैं, भगवान ने कदी चार जो वैष्णव है इनको पास में मैंने चार नाव हमने दिया है, ये चार नाव हमने दिया है, अगर कोई मेरे पास में पहुंचना चाहते हैं कदी चारों में कोई एक संप्रदाय का कोई साधु को पास में जाएगा तो वो सही सही मेरे पास में आ जाएगा, जरूर मेरे पास में निश्चिंत रूप में आएगा। इसलिए यहाँ कहते हैं, संप्रदाय विहीना जे मंत्रा स्ते है विफलामता। इसका मतलब है संप्रदाय छोड़ करके अगर और कहीं कोई मंत्र ग्रहण करेगा तो भगवान कहते हैं वो मंत्र कोई काम नहीं करेगा, वो मंत्र जप करने पर भी उसको वो मेरे पास में नहीं आ सकता है। क्यों? वो मेरा दिया हुआ है ही नहीं, वो मेरे से कोई संबंध नहीं। जैसे उदाहरण है, जैसे यहाँ पर लाइट जल रही, ये जो लाइट जल रहे हैं ये कहाँ से आ रहा है? ट्रांसफार्मर से आ रहे हैं। अगर उसको और देखोगे तो और कहाँ कहीं से बिजली बन रही है, वहाँ से सप्लाई होता है। फिर वहाँ से अगर यहाँ पर अच्छे तरह से तार से हमने अच्छे तरह से हमने वायरिंग अच्छे तरह से कर दिया, लेकिन अगर जो जहाँ से ये लाइट आ रही है अगर तार अगर वहाँ जुड़ा नहीं होगा ना, तुम जितने वायरिंग फायरिंग जितना जो कुछ कर रहे सुई पुईज सब लगा दो लेकिन वो लाइट नहीं जलेगा, वो लाइट नहीं जलेगी लाइट। इसलिए लाइट तभी जलेगी अगर जो पावर हाउस से जहाँ से लाइट आ रहे हैं अगर उसको साथ में इसको जोड़ देंगे ना, फिर तो ये लाइट जल सकती है। क्या ठीक उसी तरह भगवान खुद कहते हैं, मैंने ये ब्रह्म विद्या सर्वप्रथम मैंने किसको दिया? कहीं अथर्व को दिया, कहीं उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया। सर्वप्रथम भगवान की नाभि कमल से कौन प्रकट हुए? पितामह ब्रह्मा प्रकट हुए। देखो पितामह ब्रह्मा प्रकट हुए, ब्रह्मा कितने बड़े जो दुनिया को सृष्टि करने वाले, लेकिन वो भी भगवान को नहीं समझ पाए। उन्होंने बहुत कोशिश की, मेरी सृष्टि कहाँ से हुई, मैं है कौन? कमल नाड़ में उन्होंने कितने हजार साल तक उन्होंने पता लगाया, लेकिन पता ही नहीं लगा भाई मेरी सृष्टि कहाँ से हुई। फिर ऊपर में आए, जब ऊपर में आए उन्होंने व्यंजन वर्ण का दो अक्षर उन्होंने सुना है, एक सोलमा और एक एकोसीमा, दो अक्षर सुना। भगवान ने बोले त और प, बोले तुम तपस्या करो। जब ब्रह्मा जी फिर तपस्या की, फिर भगवान ने क्या किया, बोले ज्ञानम में परम गुह्यम जद विज्ञान समन्वितम सह रहस्यंच तदगंच गृहणम गदितमया। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी मैंने विज्ञान रूप को जो ज्ञान है मैं तुमको प्रदान करता हूँ, तुम मेरी कृपा से ये ज्ञान को जो फैन है ना, चल बंद कर दो फैन को,
इसलिए मैंने ये विज्ञान में तुम्हें प्रदान करता हूँ, तो मेरी कृपा से ये ज्ञान को तुम प्राप्त करो। इसलिए अभी हम लोग जो गोपाल मंत्र जप कर रहे हैं, जो गोपाल मंत्र जप कर देना, जो गोपाल मंत्र लिए हो, ये मंत्र कहाँ से आया है? भगवान सर्वप्रथम अपना बंसी ध्वनि को द्वारा उन्होंने पितामह ब्रह्मा जी को ये मंत्र प्रदान किया। फिर ब्रह्मा जी ने ये मंत्र फिर किसको दिया? फिर उन्होंने श्री नारद जी को दिया। फिर नारद जी किसको दिया है? फिर नारद जी व्यास देव को दिया। फिर व्यास देव ने किसको दिए? फिर मध्वाचार्य को दिया। फिर मध्वाचार्य ने लक्ष्मीपति तीर्थ को दिया। हम सब एक भजन गाते हैं ना, कृष्ण हैते चतुर्मुख, हय कृष्ण सेवन मुख, ब्रह्मा हैते नारद। ये जो भजन गाते हैं, मतलब हम लोग को जो मंत्र प्राप्त किया है, ये भगवान से कैसे गुरु परंपरा से धीरे 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 ये मंत्र अभी तक इस दुनिया में ये मंत्र आया। इसलिए हम सब का नाम को ले लेकर के हम लोग सबको प्रणाम करते हैं, सब वैष्णव को, क्योंकि ये लोग नहीं होते तो अभी जो यहाँ बैठ करके हम जो ज्ञान की बात सुन रहे हैं, हमें मिला कहाँ से? कहाँ से आया ये ज्ञान? क्या कहीं अपने आप कहीं टपक पड़ा? कहीं अपने आप कहीं नहीं टपक पड़ा है। कहाँ से आए? ये ठाकुर जी से, ये गुरु परंपरा माध्यम से ये मंत्र अभी तक यहाँ पर आया है। जैसे जैसे मेन इंजन को साथ में अगर एक कोयला का डिब्बा क्यों नहीं हो, अगर उसमें जुड़ा हुआ होगा ना, वो सही जगह पर पहुंच जाएगी। लेकिन सोने का कोई डिब्बा हो लेकिन वो मेन इंजन को साथ में नहीं जुड़ा हुआ ना, वो जहाँ के तहाँ वहीं खड़ी रह जाएगी। भले ही वो सोने की डिब्बा क्यों नहीं हो, लेकिन भले ही कोयला का क्यों डिब्बा नहीं हो, अगर मेन इंजन को साथ में जुड़ा हुआ हो ना, वो ठीक सही जगह पर वो पहुँच जाएगा। इसका मतलब है, अगर हम सही गुरु परंपरा से अगर हम जुड़े हुए रहेंगे, तो अगर लाइन, अगर सही लाइन में खड़े हुए रहेंगे ना, एक दिन तो नंबर आ ही जाएगा। अगर हमने गलत लाइन में अगर खड़े हो गए, फिर जिंदगी भर खड़े रहो, जिंदगी भर तुम खड़े रहो, तुम्हारा नंबर, तुम्हारी नंबर ही नहीं आएगी तुम्हारी, हैं? इसलिए लाइन हमारी सही होनी चाहिए। इसलिए शास्त्र कहता है, जो ये चार संप्रदाय में कोई अगर एक संप्रदाय से अगर शुद्ध रूप में अगर हम जुड़े हुए होंगे, क्या होगा? एक दिन ना एक दिन जरूर भगवान कहते हैं, तुम मेरे पास में जरूर आए। भगवान गारंटी देते हैं, आज हो नहीं तो 100 साल के बाद में हो, जरूर तुम मेरे पास में आ जाओगे। क्यों? तुम्हारे जो लाइन में जो खड़े हुए ना, वो लाइन तुम्हारी सही लाइन में, तुम सही लाइन में खड़े हुए हो, हैं? इसलिए ये गुरु परंपरा को द्वारा ही ये मंत्र हमें प्राप्त करनी चाहिए। गुरु परंपरा से बाहर होने से फिर तो हमारी कोई कल्याण होने वाला कोई नहीं। इसलिए हम लोग सही रास्ता पर खड़े हैं, सही लाइन पर खड़े हैं, एक दिन ना एक दिन हमारी नंबर आ ही जाएगा, हैं? आज हो नहीं तो कितना साल के बाद में हो, जरूर हम सही जगह पर पहुंचेंगे। इसलिए जो शुद्ध वैष्णव धारा में आते हैं, समझो ये करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य से, कोई सुकृति से, इसलिए बोले ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कभी ब्रह्मांड भ्रमण करते करते, 84 लाख जोनि भ्रमण करते करते किसी भाग्यवान व्यक्ति को ये शुद्ध परंपरा प्राप्ति, किसी भाग्यवान व्यक्ति को ये परंपरा, ये कौन कह रहे हैं? ये भगवान ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं, किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को ही ये परंपरा प्राप्ति होती है। आप लोगों को याद रह गया? हाँ। इसलिए हम लोग अपना छाती पर हाथ ठोक करके कह सकते हैं, एक दिन हमें भगवान मिलेंगे ही, जरूर मिलेंगे, क्योंकि हम सही लाइन में, हम सही लाइन में हम खड़े हैं, हम गलत लाइन में खड़े नहीं, समझ रहे हो? दूसरे व्यक्ति अगर कहीं तुम किसके साथ, भय से हो जाएगा, बोले तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या भक्ति कर रहे हो, तुम लोग बोलेंगे हम सही रास्ता पर हैं, हैं? हम लोग सही रास्ता पर। और जो वैष्णव संप्रदाय होगा ना, देखो उनको जरूर तिलक होगा, जरूर तिलक गले में उनके, जरूर तुलसी की कंठी होएगी जरूर। ये जो चार वैष्णव संप्रदाय
इस चार वैष्णव संप्रदाय में देखोगे उनकी तिलक होगा, वो तिलक देख करके हम बता देते हैं ये कौन सा संप्रदाय में है। जो व्यक्ति रामानुजु संप्रदाय में, अब देखना जो नारायण का जैसे तिलक है ना, वो ऐसे तिलक लगाए होंगे क्योंकि उनका इष्ट नारायण है। हम तिलक देख करके पता लगा लेते हैं ये कौन सा संप्रदाय के। अगर तिलक अगर श्री जैसे नारायण का तिलक लगाए होंगे, मतलब इनकी गति कहाँ तक, वैकुंठ तक। जो इसी संप्रदाय से और एक संप्रदाय निकला जिसको कहते हैं रामानंदी संप्रदाय, जो सीताराम को उपासना करते हैं, हैं उनका तिलक, हनुमान जी का तिलक देखना, भगवान राम का तिलक जैसे ना, आप देखना हनुमान का तिलक ठीक वैसे, राम का तिलक जैसे हनुमान का तिलक वैसे। इसलिए कद जो रामानंदी संप्रदाय में जो उपासना सीताराम है, कद जो जो हमारी संप्रदाय में हम लोग किसको उपासना करते हैं, हम लोग श्री राधा कृष्ण को हम उपासना करते हैं। ये तिलक अगर कोई देखो ना, जैसे ये जो तिलक ऐसे तिलक है, इसको देखने से पता चले जाएगा ये गौड़ीय वैष्णव महाप्रभु धारा में, केवल महाप्रभु धारा में ही ऐसे तिलक लगाते हैं हम। अगर किसी व्यक्ति को देख पहचान जाएगी हमारी धारा में आया व्यक्ति हैं। इसलिए जो तीसरा है कहते श्री विष्णु स्वामी, उनका जो तिलक है आप देख लेना, उनका तिलक है ये लाल रंग की रोली लगाते हैं वो लोग, लाल रंग की रोली लगाते हैं और यहाँ पर एक बिंदु लगाते हैं लाल के से, ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के तिलक। और जो तिलक है इसको कहते हैं ऊर्ध्वपुंड्र, क्या कहते हैं ऊर्ध्वपुंड्र, मतलब कि हमें जो ऊपर ले जाए, जो हमें भगवान तक ले जाए, तिलक ऐसे होनी चाहिए। ये वैष्णव संप्रदाय का चिन्ह, अगर ऐसे कोई लगा हुआ होगा कहते ये वैष्णव संप्रदाय, ये बाहर है, ये कौन है जो शंकर जी का जो उपासना करने वाले हैं वो लोग ऐसे त्रिपुंड धारण करते हैं। लेकिन अगर ऐसे तिलक देखोगे पता चले जाएगा ये वैष्णव संप्रदाय का तिलक है, हैं ये वैष्णव संप्रदाय। और निम्बार्क संप्रदाय हुए हैं, उनका भी तिलक भी ठीक ऐसे ही, उनका तिलक ऐसे है, उनको भी तिलक ऐसे है। इसलिए ये चार वैष्णव संप्रदाय में हैं और कोई एक संप्रदाय में अंतर्भुक्त होकर के हमें भक्ति करनी चाहिए, फिर तो ये भगवान कहते हैं एक दिन जरूर तुम मेरे पास में आओगे ही। भगवान गारंटी देते हैं एक दिन तुम मेरे को प्राप्त करोगे, क्यों, वो धारा मैंने बनाया। और ये जो जैसे दूसरे जो संप्रदाय जैसे रामानुज संप्रदाय में, उसको ज्ञान कहाँ से, बोले भगवान नारायण से मिला है, लक्ष्मी को, लक्ष्मी ने फिर धीरे धीरे रामानुज आचार्य जी को दिया, उनके संप्रदाय में आए। जैसे श्री निम्बार्क संप्रदाय में वहाँ पर हंस भगवान ने श्री नारद जी को ये ज्ञान प्रदान करते हैं, फिर नारद जी वो ज्ञान चतुसन को देते हैं। इसलिए जो चार ही संप्रदाय में जो ज्ञान है डायरेक्ट है ये भगवान से ही ये आया। इसलिए एक दिन अगर इसको हम अवलंबन करेंगे एक दिन हम ठाकुर के पास में जरूर पहुँचेंगे। इसलिए आज जिनका जन्मतिथि है कहते श्री मध्वाचार्य इनका नाम है। ये मध्वाचार्य कौन है कहते इनके अंदर में दो मिल करके एक हुए, एक श्री पवन कुमार श्री हनुमत लाल जी और दूसरा है श्री भीमसेन। कहते ये दोनों मिल करके ये कलयुग में मध्वाचार्य रूप में कलयुग में आए, इनका फट गई नहीं ना, हाँ। इसलिए कहते ये दोनों मिल करके ये श्री मध्वाचार्य रूप में इस जगत में आए और बड़े बलवान। और इनका जो मतवाद है आप देखोगे उनका ना हाथ ऐसे रहेगा ऐसे, इसका मतलब क्या है, बोले जीव और जो भगवान है ये कभी एक नहीं हो सकते हैं, ये दो मतलब भगवान हमारी दास, भगवान हमारे पूज्य, हम उनकी सेवक, हम सेवक और ठाकुर जी हमारी सेव्य, भगवान हम उनकी संतान। हमारा जो कर्तव्य हर समय भगवान की भक्ति करना ही हमारी धर्म, भगवान की सेवा पूजा करना ही हमारी ये धर्म है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी, चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं लेकिन भगवान होने पर भी इन्होंने इसी संप्रदाय का स्वीकार किया। महाप्रभु सब जगह पर गए, देखे कौन सा संप्रदाय को मैं ग्रहण करूँ, क्योंकि मैंने ही तो वेद पुराण को व्यास देव रूप में, मैंने तो सारे शास्त्रों को प्रणयन किया, अगर मैं आचरण नहीं करूँ फिर मेरे को देख करके लोग सीखेंगे कैसे, मेरे को देख करके तो सीखेंगे ना, मैं जो करूँगा लोग तो वही चीज़ को देखेंगे। इसलिए महाप्रभु
उन्होंने देख गए हर संप्रदाय में, लेकिन उन्होंने मध्वाचार्य संप्रदाय को ग्रहण किया। बोले क्यों, और भी तो संप्रदाय था, और किसी को उन्होंने क्यों ग्रहण नहीं किया, इसी संप्रदाय का क्यों ग्रहण किया? कारण है, पहला नंबर था इनको जो मतवाद है द्वैत, द्वैत मतलब भगवान और जीव, ये दो है, ये कभी एक कभी नहीं होते हैं, कभी मिल नहीं जाते हैं भगवान से, हर समय भगवान की आराधना करते हैं। दूसरा कारण है, महाप्रभु इस जगत में किस लिए आए थे? इसलिए आए थे वो ब्रज भक्ति को देने के लिए। किसको देने के लिए? ब्रज भक्ति, वृंदावन की जो प्रेम को देने के लिए महाप्रभु जगत में आए थे। इसलिए देख रहे थे इसी चारों संप्रदाय में कहाँ पर ये ब्रजभाव। इसलिए जब उन्होंने मध्वाचार्य का मठ में गए, उन्होंने देखा एक गोपाल है, हैं, एक गोपाल है जो जो मंथन का दंड, मैया जैसे जैसे दधि मंथन करती है ना, ऐसे वो दंड को पकड़ करके रखे। उन्होंने बाल गोपाल रूप को देखा, मतलब ये ब्रज का ये चिन्ह, कैसे मैया यशोदा कैसे हैं, कृष्ण कैसे बाल गोपाल रूप में ब्रज की भाव से कैसे मंथन दंड को पकड़ करके रखे। जब उन्होंने ये सब चीज को उन्होंने देखा और इनकी संप्रदाय में देखा आठ सन्यासी, ये सबके सब गोपी भाव से भगवान को आराधना करते हैं, गोपी भाव से। ये सब चीज को देख करके महाप्रभु ने ये मध्वाचार्य संप्रदाय को उन्होंने ग्रहण किया। ये मध्वाचार्य कहते इनकी पिता माता जी ने भगवान को आराधना की और बोले ठाकुर जी हमें ऐसे एक पुत्र दो जो अमर पुत्र होगा, जो पुत्र कभी मरेगा नहीं, हमें ऐसे एक पुत्र दो। तब श्री मध्वाचार्य जन्म हुए। जब मध्वाचार्य जन्म हुए, इन्होंने जब उन्होंने 11 साल उम्र में ना, ये कौन है, भीम और श्री हनुमान दोनों मिलकर के ये हुए, तो हनुमान तो परम ज्ञानी है, हैं, ज्ञानी है। इसलिए कहते 11 साल उम्र में उन्होंने सारे ग्रंथ को, सारे सब शास्त्र उन्होंने 11 साल उम्र पढ़ लिया। पढ़ करके बोले पिता माता को, बोले मैं सन्यासी ग्रहण करूँगा, मैं सन्यासी ग्रहण करूँगा। अगर एक ही अगर किसका किसका बेटा हो, अगर 11 साल उम्र में और इतने सुंदर हो, बोले मैं सन्यास ले लूँगा, पिता माता राजी होएंगे? पिता माता बोले अगर तू सन्यास लोगे ना, हम तो कुएं में छलांग लगाकर प्राण त्याग करूँगा, आत्महत्या करूँगी। मध्वाचार्य ने कहा मैं तो सन्यास लूंगा ही, लेकिन तुम आत्महत्या नहीं कर सकते हो, तुम आत्महत्या नहीं कर सकते हो, मैं तो सन्यास जरूर लूंगा, हैं। इसलिए उन्होंने 11 साल उम्र में सन्यास लिया और ले करके उन्होंने बोले कि जगत में जो अद्वैत मतवाद, मतलब शंकराचार्य का जो फिलोसफी, जो कहते हैं जीव ही ब्रह्म है, एक दिन ये जीव जा करके वो ब्रह्म ज्योति में ये लीन हो जाएगा, इनका जो फिलोसफी, ये भक्ति की विरोध फिलोसफी है, हैं। बोले मैं इसको, मैं ये मतवाद को मैं खंडन करूंगा। बोले 11 साल उम्र में? बोले हाँ। तब उन्होंने क्या किया, जो बरगद का पेड़ होता है ना, उनका एक डंडा लिया, डंडा लेकर के सूखा डंडा को उन्होंने गाड़ दिया। बोले अगर मैं एक दिन ये मायावाद को मैं प्रचार करूंगा, मैं ये डंडा को गाड़ करके गाड़ देता हूँ, ये डंडा एक विशाल वटवृक्ष रूप में परिणत हो जाएगा। और सचमुच से देखते देखते वो जो डंडा था वो धीरे धीरे बढ़ते 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 विशाल वटवृक्ष, अभी भी वो वटवृक्ष है। उरूप में अगर कोई जाएगा, उरूप में जाओगे, वहाँ पर देखोगे उन्होंने जो डंडा गाड़ दिया, और डंडे से विशाल वटवृक्ष, अभी भी वो विशाल वटवृक्ष है। इन्होंने मायावादी फिलोसफी को उन्होंने खंडन उन्होंने किया है। और खंडन करते करते उन्होंने अपना शिष्य प्रशिष्य को बनाए, शिष्य प्रशिष्य को उन्होंने बनाया, बना करके एक बार जा रहे थे, जाते जाते ना एक बाघ ने इनके एक शिष्य के ऊपर आक्रमण किया। बाघ हैं, आक्रमण किया, उन्होंने एक थप्पड़ मारा बाघ को ना, एक थप्पड़ से बाघ खत्म। और ये भीम और हनुमान है ना, कितने ताकत होगा, एक साथ में उन्होंने 100 कलसी समझते हो, जब मटका दूध, एक साथ में 100 मटका दूध को पी लिया उन्होंने, और कितने 100 केले को एक साथ में उन्होंने खा लिया। क्यों, भीमसेन है ना, वो तो भोजनानंदी हनुमान है, इसलिए इतने। एक देश में एक बहुत बड़ा पहलवान था, वो हर समय डीग हांकता था, कोई आओ तो मेरे साथ में 2 हाथ कर लो। लेकिन जब वहाँ पर मध्वाचार्य गए, बोले मेरे साथ में क्या लड़ाई क्या करोगे, मेरे प्यार का जो अंगूठा है, एक अंगूठा को उठा कर पहले दिखा दे, फिर मेरे साथ में फिर तुम लड़ाई करना।
उनको एक अंगूठा को भी हिला नहीं पाया। इतने बलवान श्री मध्वाचार्य, इतने बलवान मध्वाचार्य थे। इसलिए एक नदी था, एक तरफ में मुसलमान लोग रहते थे और एक तरफ में हिंदू रहते थे। कोई भी हिंदू हिम्मत नहीं करता था वो नदी पार करके वो मुसलमान का राज्य में जाए, लेकिन इन्होंने अपना शिष्य प्रशिष्य को लेकर के वहाँ सैन्य सामंत थे, उनको तैरते हुए उन्होंने पानी पार कर गए, पार करके वो मुसलमान को पास में गए, शास्त्रार्थ उनको साथ में करके परास्त किया और इनकी विशाल का शरीर इनको प्रभाव को देख करके बोले महाराज जी आप हमारे आधा राज्य को ले लो। बोले आपका राज्य को लेने के लिए मैं नहीं आया हूँ। हैं एक समय ये अपना शिष्य प्रशिष्य को लेकर के जा रहे थे। जब जा रहे थे एक राजा ने तालाब खनन कर रहा था, तालाब खुदाई कर रहा था और ये सब साधु इतने मोटे छोटे साधु जा रहे थे। राजा ने कहा ये बाबा को कोई काम धाम नहीं, ये घूमते रहते हैं। बोले लगो यहाँ पर तालाब खुदाई करो, ये तालाब खुदाई करो। बोले साधु को बोले तालाब खुदाई करो। वो इतने प्रभाव था ना, वो मध्वाचार्य ने राजा को ही लगा दिया तालाब खनन में। उसको ही प्रभाव देना, उनको लगा दिया तालाब खनन करने में और वही तालाब खनन करने लगे और उन्होंने अपना शिष्य को लेकर के चले। बोले ये कर्म तेरा है, हम तो भगवान की भक्ति को जगत में, भगवान की भक्ति को फैलाने के लिए जगत में आए, प्रभु की भक्ति को प्रचार करने के लिए जगत में हम भक्ति प्रचार करने के लिए आए। एक समय जा रहे थे, जाते जाते एक बोट, एक बहुत बड़ा एक बिजनेस मैन, बहुत बड़ा एक नाव में बहुत सारी चीज को भर करके एक देश से दूसरे देश जा रहा था नदी में पार होते हुए। जब जा रहा था ये वहीं पर बैठे हुए थे, उनका नाव लग गया चरा में, लग गया तो और ट्रस्ट से मस नहीं हो, अब कुछ भी नहीं हो, अभी तो दुखी हो गया, अभी मैं कैसे जाऊँ। लेकिन ये देखा वहाँ पर के संत साधु बैठा हुआ, विशाल का शरीर, हम कहते ना जो ना करे लकड़ी सो करे फकरी, इसलिए उन्होंने साधु को देख करके आए, बड़े साधु प्रणाम किया। बोले बाबा मेरे नाव चरा में लग गया, आप थोड़ा आशीर्वाद कर दे। तब उन्होंने ऐसे केवल ऐसे इशारा किया ना, फिर नाव चलना शुरू हो गई, इशारा से नाव चलना शुरू हो गई। वो तो इतना खुश हो गए, बोले बाबा आप तो बड़ी परव मेरे उपकार किया है, मैं ये नाव में जो चीज से मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप देखो आपका जो मन पसंद चीज को आप उसको ले जाओ। तब उन्होंने गए देखा, देखा कि जो तिलक लगाते हैं ना हम लोग, हाँ वो एक गोपी चंदन ले जा रहा था, बहुत बड़ा एक ढेला गोपी चंदन, कितने क्विंटाल था, हाँ कितना क्विंटाल था ये गोपी चंदन। देखा बोले मेरे को ये चंदन दे दो। तो उन्होंने बस एक हाथ से उठा लिया कितने क्विंटाल और अपना कंधे पर रख करके जब जा रहा था, हठात जाते जाते वो दो टुकड़ा हो गया। जब दो टुकड़ा हो गया उसको अंदर से बड़ा सुंदर ठाकुर निकला, हाँ उनको सब कुछ पता है ना, उसका अंदर से वो दधि मंथन जैसे मैया जैसा दधि मंथन करती थी, एक हाथ में मंथन का दंड और एक हाथ में रजू, बड़ा सुंदर ठाकुर उसका अंदर से निकला। फिर उन्होंने उसी विग्रह को स्थापन करते हुए संन्यास ग्रहण दे करके शिष्य प्रशिष्य को उनकी सेवा में उन्होंने गोपी भाव से मंत्र दे करके उनको सेवा पूजा करते थे। अभी भी वो ठाकुर उड़ुपी में अभी भी वो ठाकुर वहीं पर ठाकुर की पूजा हो रही है। इसलिए इन ये मध्वाचार्य का जो फिलोसफी है ये 10 मूल उन्होंने बताए, 10 उनकी फिलोसफी है। हैं कहते आमनाय प्रहातत्व हरिमयम सर्वशक्तिम रसाब्धि, इसको श्री भक्तिमन ठाकुर लिखे, ठीक ऐसे ही उन्होंने एक श्लोक बनाया है। इसलिए श्लोक क्या पहला क्या बोले आमनाय, आमनाय मतलब है गुरु परंपरा जरूर होनी चाहिए। जब तक कोई तुम्हारी गुरु परंपरा नहीं होगा तब तक तुम दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए जैसे अगर आपको बोलेंगे भैया तुम्हारी पिता माता कौन, आप बोलेंगे ना ये हमारे पिता माता, उनको बोलेंगे तुम्हारी पिता माता कौन, बोलेंगे ये हमारे पिता माता, उनको बोलेंगे तुम्हारी पिता माता कौन, बोलेंगे भैया ये हमारी है ना, तुम्हारी पिता माता है कि नहीं, आकाश से तो वैसे टपक नहीं पड़े ना, हम जरूर तो किसका पिता माता होएंगे। उसी तरह अगर हमें कोई बोलेगा तुम्हारी गुरुदेव कौन, हम बोले ये गुरुदेव हमारी है, ये हमारे गुरुदेव, उनका गुरुदेव कौन, बोले श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, बोले उनका गुरुदेव कौन, बोले भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, उनका कौन गुरुदेव, बोले गौर किशोरदास बाबा जी, मतलब उनका गुरुदेव कौन,
प्लस श्री भक्ति विनोद ठाकुर बोल का उनका गुरुदेव कौन, प्लस श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बोल उनका गुरुदेव कौन, ऐसे कैसे धीरे 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 करते करते जब जाएंगे ना वो सीधा ठाकुर तक जाएगा, भगवान तक। उसी तरह अगर हमें भी पूछा जाएगा ना तुम्हारी पिता माता कौन, बोलेंगे ये पिता माता, बोले उनकी पिता माता ये, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, ठाकुर तक जाएगा। क्योंकि हम सबके सब अमृतस्य पुत्रा, हम भगवान की संतान। हम भागवत में कथा सुनते हैं ना, भगवान से ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी फिर उन्होंने मनु सत्यरूपा को उन्होंने सृष्टि किया, फिर उन्होंने 3 कन्या 2 बेटे हुए, 7 ऋषियों को सृष्टि किए, धीरे 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 उसी परंपरा में अभी तक हम लोग जगत में अभी तक आए। इसलिए उनका पहला आमनाय हरि ही परम तत्व है, और उनको कैसे मिलता है, भगवान की भक्ति के द्वारा ही भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। जो जीव है वो भगवान की अंश ही जीव है, हैं? इसलिए, और जो भगवान कौन, बोले रस स्वरूप, भगवान रस स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है भगवान। इसलिए ऐसे उन्होंने 10 मूल उनको 10 उनका फिलोसफी है, हैं? और इनका जो मतवाद द्वैत, बोले जीव हर समय भगवान का ही सेवक ही बनकर रहेगा, जीव कभी ब्रह्म नहीं बन सकता, जीव कभी भगवान नहीं बन सकता है, जीव मुक्त अवस्था में भी भगवान की सेवा ही करेगा। इसलिए आज इनकी जन्मतिथि, इसलिए ये मध्वाचार्य हमारी संप्रदाय का ये मूल आचार्य हैं, इसी संप्रदाय में हम लोग आए हैं। इसलिए ये हम सबको ऊपर में आशीर्वाद करें, कृपा करें, जैसे इनके संप्रदाय में हम लोग रह करके शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति कर सके, भगवान को भजन कर सकते, ये हम सबको ऊपर में कृपा करें। बोले श्री मध्वाचार्य की, बोले श्री पितामह ब्रह्मा की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि। अभी थोड़ी सी हम बृहद भागवतामृत को थोड़ा सुन लेते, ठीक है? तो किरा कहाँ है, आया है, देख लो तो। हाँ, 1 मिनट कीर्तन कर लेते। बोले हरे कृष्ण। हाँ, इसलिए कल हम लोग क्या सुन रहे थे, याद है? कल हम लोग सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे? नारद जी, हाँ, नारद श्री प्रहलाद महाराज को पास में नारद जी जाएंगे, क्योंकि शंकर जी उन्होंने बोले, देखो अगर भक्तों को तू देखना चाहते हो, अगर तुम भक्तों को दर्शन करना चाहते हो, कहाँ जाओ तुम, चले जाओ किसको पास में, बैकुंठ में जाओ। और बैकुंठ में जब जाने के लिए तैयारी हो रहे थे, इतने में श्री शंकर जी बोले, देखो तू क्या पागल हो रहे हो, इसलिए देखो भगवान खुद कहते हैं मेरे जो भक्त हैं सबसे मेरे ज़्यादा प्रिय मेरे भक्त, भगवान स्वयं अपना भक्तों की महिमा, ठाकुर जी स्वयं अपना भक्त की महिमा को गाते हैं, कहते भक्त पूजा मेरे पूजा से भी मेरे भक्तों का पूजा बड़ा है, श्रेष्ठ है। और भक्त में सर्वश्रेष्ठ कौन है, कहते श्री प्रहलाद महाराज, बोले श्री प्रहलाद महाराज की। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे प्रहलाद महाराज की कितने महिमा, इसलिए यहाँ पर स्वयं यहाँ पर कह रहे हैं प्रहलाद महाराज की इतना महिमा, जिस समय भगवान श्री नरसिंह रूप में प्रकट हो गए, ठाकुर जी नरसिंह रूप में प्रकट हुए, बोले क्यों, उनको पिताजी ने पूछा है ना, बता तेरे भगवान कहाँ हैं, तब उन्होंने बोले, बोले पिताजी बताओ मेरे भगवान है नहीं कहाँ, तो बताओ, मेरा भगवान तो कण कण में सर्वत्र, मैं जिधर देखता हूँ उधर। तब उन्होंने बोले ये खंभे में क्या है, बोले मेरे को तो दिख रहा है, ठाकुर तो मुस्कुरा रहे, सचमुच से ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले क्यों, बोले सत्यम विधातुम निज भक्त भाषितम, अगर अगर भक्त अगर कोई बात बोल दिया ना, भगवान भक्तों का बात को सत्य करते, भक्त बोल दिया इसके अंदर में है भगवान प्रकट हो गए, हैं प्रकट हो गए भगवान वहां पर। बोले पहले तेरा भगवान को दिखाता हूँ, बाद में तेरे को मैं देखूंगा। अरे उठाया मुष्टि का घात और मारे खंभे में, खंभे में मारे तो खंभ तो एकदम फट गया, और खंभे को अंदर से भगवान श्री नरसिंह देव प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की, जोर से बोलो, बोले नरसिंह भगवान की, भगवान साक्षात श्री नरसिंह देव प्रकट हो गए, नरसिंह देव प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप भी साधारण नहीं था, ए दोनों में घमासान लड़ाई,
इतना घमासान लड़ाई हुई, लड़ते 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 जब ठीक शाम का समय हो गया ना, इतने में जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ लेता है, उनने पकड़ लिए और दहली पर ला करके जंघे के ऊपर रखी और उसको नाखून से उसको फाड़ने जा रहे थे। जब फाड़ने जा रहे थे, हिरण्यकश्यप बोले मेरे को मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया। बोले बता क्या वरदान लिया? बोले क्या वरदान लिया? बोले आकाश में नहीं मरूंगा, पृथ्वी पर नहीं मरूंगा, मार्ग कैसे, मेरे को सारे मरने का रास्ता बंद करके मैं रखा है। बोले तू अभी मेरे जंघे के ऊपर में, बोले तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले वरदान है ना। बोले बता क्या किया? बोले घर में भी नहीं मरूंगा, बाहर भी नहीं मरूंगा, मारो कैसे, मार दो। बोले तुम देखो कहाँ पर हो? बोले दहली पर। बोले तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले भगवान की कहते ब्रह्मा जी का कोई सृष्ट प्राणी को हाथ में नहीं मरूंगा। बोले मेरे को देख, ब्रह्मा जी मेरे को सृष्टि की ना, मैंने ब्रह्मा जी को, मैं ब्रह्मा जी का बाप हूँ, हाँ ब्रह्मा जी का मैं बाप हूँ। इसलिए बोले ये कौन, कभी तो देखा ही नहीं है। बोले मैं किसी प्राणी को हाथ में नहीं मरूंगा, किसी इंसान को हाथ में। बोले देख आधा नर आधा शेर, आधा नर आधा शेर। बोले तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले किसी महीना में ही नहीं मरूंगा, मारोगे मारोगे कैसे मारो। बोले इसी तरह से याद रखो, ये मल मास, ये अधिक मास। बोले तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों, क्यों नहीं मार सकते? बोले मैं अस्त्र में नहीं मरूंगा, मैं किसी शस्त्र से नहीं मरूंगा, मारोगे कैसे। बोले अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, मेरे नाखून तेरे लिए बहुत है। और सारे वरदान में पानी भरा दिया और देखते देखते उनको नाड़ी को, पेट को फाड़ दिए, और जितना नाड़ी भूड़ी था ना सब गले पर पहन लिया। बोले उनका पेट को क्यों फाड़ दिए, कारण क्या? बोले कारण ही, बोले देखो इसकी औरत से ही प्रहलाद का जन्म हुआ है, हैं इनकी औरत से प्रहलाद जन्म हुआ, और प्रहलाद मेरे कितने बड़ा भक्त हुआ, मेरे को खंभे से प्रकट कर दिया। इसलिए अभी ढूंढता हूँ इसके पेट से और दो चार भक्त निकल जाए। इसलिए भगवान ने इसको पेट को, भगवान ने इसको पेट को अंत सब फाड़ दिए उसको। दूसरा कारण बताए, बोले इन हृदय में तुमको मेरे को बैठाना चाहिए था, लेकिन तुम मेरे को नहीं बैठा करके कहाँ ये सब काम क्रोध लोभ को तुमने कहाँ बैठा दिया। इसलिए ठाकुर जी शिक्षा देते हैं, अगर दिल में तुम मेरे को नहीं बैठाओगे, दुनियादारी को बैठाओगे ना, छाती फाड़ दूंगा तुम्हारी। इसलिए बैठना तो किसको बैठाओ, मेरे को ही बैठाओ। वहां पर इतने भयानक भगवान नरसिंह देव का स्वरूप था, शंकर जी डर गए। बोले क्यों? बोले प्रलय तो नहीं हो गया? फिर शंकर जी सोच रहे, बोले नहीं, प्रलय का देवता तो मैं हूँ, प्रलय होने से पहले मेरे पास में पहला खबर तो मेरे पास में आएगा, अभी तक तो मेरे पास में कोई खबर ही नहीं आया प्रलय की, इसलिए प्रलय कैसे हो जाएगी। इसलिए शंकर जी मनाने के लिए आए, उन्होंने शेर का दहाड़ देखा। शंकर जी का वाहन कौन है? नंदी। कहते शेर का आहार कौन है? ये बैल होता है। इसलिए जब नंदी ने देखा, बोले हे भगवान ये क्या, शेर जैसे पूछ खड़े करके भागे वहां से नदी। हैं फिर ब्रह्मा जी आए और भगवान ने इसे भ्रुकुटी नयन टेढ़ी नजर से देखे, बोले तेने इसको वरदान दिया दुष्टों को और मेरे भक्तों को इतने सताए। ब्रह्मा तो वहां से भाग गए वहां से, हैं अभी उनको कोई मना नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मी के पास में गए, हैं लक्ष्मी के पास में। एक समय माँ लक्ष्मी ने भगवान से प्रार्थना किया था, हैं प्रार्थना किया था, क्या प्रार्थना किया था? माँ लक्ष्मी ठाकुर जी के चरण की सेवा करती हैं। एक दिन सेवा कर रही थी लक्ष्मी, प्रभु बोले लक्ष्मी बहुत दर्द हो रहा है पैर में, बहुत दर्द हो रहा है, धीरे 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 दबाया करो, इतने जोर से दबा रहे हो, क्यों? भगवान का शरीर मक्खन से भी ज़्यादा कोमल, ठाकुर का चरण बड़े कष्ट हो रहा है। तब मैया लक्ष्मी ने थोड़ी 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 धीरे 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 दबाए, बोले लक्ष्मी तभी भी पैर में दर्द हो रहा है, दर्द और धीरे धीरे दबाओ। उसको बाद में माँ लक्ष्मी हाथ को सहलाने लग गई, बोले लक्ष्मी बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, तो इतने जोर से दबा। बोले प्रभु तभी भी कष्ट? बोले हाँ। तब इतने में माँ लक्ष्मी दबाना शुरू कर दिया, मन मन में दबाया भगवान। बोले लक्ष्मी बड़ा कष्ट हो रहा है। बोले क्या है? बोले मैं मन मन में दबा रहा। बोले लक्ष्मी तभी भी कष्ट हो रहा है, तो इतने जोर से दबा रहे हो पैर को, इतने भगवान के शरीर कोमल। एक दिन माँ लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आपका शरीर इतने कोमल, मक्खन से भी कोमल है, आपका ये स्वरूप तो मैंने देख लिया है, ये स्वरूप तो मैंने देख लिया, एक बार मैं देखना चाहता हूँ
आपका स्वरूप कितने कठोर है, कितने भयानक है, इसको एक बार देखना चाहता हूँ। अभी तो देख लिया आपका शरीर इतने कोमल है, इसलिए कभी मेरे को दिखाओ आपका शरीर कितने कठोर और कितने वज्र जैसे, कभी उन्होंने दिखाया था। इसलिए आज भगवान ने यह नरसिंह भगवान का स्वरूप उन्होंने दिखा दिया। जब माँ लक्ष्मी को बोले आप जा करके मनाओ, लक्ष्मी बोली प्रभु तो बड़े दयालु, हाँ शांतागारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, भगवान तो बड़े दयालु, ए अभी मैं जाऊँगा चुटकी बजा तो ये प्रभु का क्रोध का शांत कर दूंगा। वो तो थाला सजा करके लेकर के आई। हे भगवान जब लक्ष्मी को देखे ऐसे दहाड़ मारे, ऐसे चिंखे ना, लक्ष्मी बोली हे भगवान मैंने कभी ये रूप देखा नहीं, इतना भयानक प्रभु का कभी देखा ही नहीं, इतने भयानक स्वरूप। उनको तो नारायण स्वरूप बड़ी कोमल स्वरूप है, हाँ मन मन में भी दबाने पर भी कष्ट होता है, ये क्या भयानक स्वरूप है। लक्ष्मी तो वहीं पर आरती का थाला को फेंकी और वहीं से ही लक्ष्मी भाग गई। फिर तो श्री प्रहलाद महाराज के पास में गई, बोले प्रहलाद तेरे लिए आज ठाकुर जी प्रकट हुए, तू शांत कर सकते हो। प्रहलाद कोई निडर, कोई डर भय नहीं, जिनको देखकर शंकर भी पास में नहीं आ रहे, ब्रह्मा भी नहीं, लक्ष्मी नहीं, कोई देवता सबके सब दूर में खड़े हुए, उनका इतना विकटाल भयंकर जो भरना हुई ना, केस केस से बिखर रहा है, आग निकल रहा था केस से, इतने भयंकर उनका रूप थी। लेकिन प्रहलाद एकदम निडर होकर के पूरा आ गए ठाकुर के पास में। और जैसे एक शेरनी जब कहीं जानवर को मार करके आता है ना शेरनी, वो क्या भयंकर रूप रहता है, उसको पास में कोई नहीं फटकते हैं, इतने भयंकर। लेकिन उसका जो बच्चे है ना, वो आकर उसको ऊपर फुदकते रहते हैं, खेलते रहते हैं बच्चे, क्यों, वो माँ है ना। उसी तरह प्रहलाद महाराज उनके कोई डर भय नहीं, सीधा आ गए। और ठाकुर जी आते ही उनको उठा करके अपना गोद में बैठा लगे और उनको चाटने लगे, चाटने लग गए। इतने में भगवान कहते हैं प्रहलाद मेरे ये भयंकर रूप देख कर डर नहीं लग रहा है। बोले प्रभु ये तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आपका ये रूप मेरे को बड़ा प्यारा लगता है प्रभु, हाँ ये रूप अच्छा लगता है। बोले डर नहीं लगता है। बोले प्रभु शेर दूसरे के लिए शेर, अपना बच्चों के लिए शेर नहीं होता है, बच्चे तो उसके ऊपर फुदकते रहते, खेलते रहते माँ के ऊपर में, इसलिए मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मेरे को जो संसार है ना, ये बड़ा मेरे को डर लग रहा है, आप तो मेरे को बड़े प्यारे लगते हो, हैं। इतने में फिर भगवान ने कहा प्रहलाद मेरे को वर मांगो। बोले प्रभु इसका चक्कर में मतलब डाला करो मेरे को, वर के चक्कर में मैं थोड़ी बढ़िया हूँ, जो 100 रुपया दिया 100 रुपया के माल ले गया, मैं बढ़िया थोड़ी हूँ, इसलिए इसके चक्कर में मेरे को डाला मत करो, मेरे को तो आपके चरण में शुद्ध भक्ति प्रदान करो, आपके चरण की हमें सेवा प्रदान करो, इसलिए प्रभु इसके चक्कर में मेरे को। भगवान बारंबार बोलने पर भी वो कहते बोले जानी जानी सहस्रेशो जेसु तेसु ब्रजाम्य हम तेसु तेसु अच्युता भक्ति अच्युतास्तु सदा तो ही। बोले प्रभु मैं जिस जोनि में क्यों नहीं जाए, जहाँ पर क्यों नहीं जाए, जैसे मेरी चरण आपकी चरण में मेरी अच्युत जैसे हैं, जैसे मेरे आपकी चरण में अखंड भक्ति हमें प्राप्त हो, केवल आपकी चरण की भक्ति सेवा चाहिए, हमें ये दुनियादारी के चक्कर में मेरे को डाला मत करो। भगवान चाहने पर भी हैं उसको ले ले, मुक्ति तक भी देना चाह रहे थे, लेकिन प्रहलाद कहता है प्रभु इसकी चक्कर में मत डाला करो, आपकी भक्ति आपकी सेवा। इसलिए भगवान देने पर भी ले नहीं। बोले फिर क्या चाहते हो, देखो संतों का हृदय कितना महान, कितना संत हृदय नव नीत समाना, इसलिए संतों का हृदय मक्खन से भी ज्यादा कोमल संतों का हृदय। बोले प्रभु अगर देना चाहते एक चीज दोगे, बोले बोलो। बोले मेरे जो पिता है ना बड़ा दुष्ट थे और आपको आपका संतों को बहुत सताया, दुख दिया, इसलिए मेरे पिता को नरक मत भेजा करो, मेरे पिताजी को आपका चरण में भक्ति दे दो। लेकिन इसी दुनिया में देखो देखो बेटा अगर भक्त होगा उसका हृदय कितना उदार होता है भक्त होने पर। इसी जगत में देखो, इसी जगत में देख लो, जैसे आपका 2 बेटा नहीं तो 3 बेटा हो, पिताजी का कुछ संपत्ति, अगर पिताजी किसी कारण से एक बेटे को थोड़ी सी ज़्यादा मिल गया, एक बेटे को थोड़ा कम मिल गया, जिस बेटे को कम मिलेगा ना जिंदगी भर डोकरा डोकरी को गाली देता रहेगा, जिंदगी भर
उसको गाली देता रहेगा, बोले उसने हमें कम दिया, उसको ज्यादा दे दिया हमको। जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो बच्चा गाली देता रहेगा पिता माता को, हैं, गाली देता रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखो, जिस पिता ने जिंदगी भर उसको मारने के लिए कोशिश किया, सारा जीवन मारने के लिए, लेकिन जब भगवान कहते वर मांगो, पहला वर क्या मांगता है, बोले मेरे पिताजी को आपका चरण में भक्ति दे दो, आपकी चरण में स्थान दे दो, पिताजी को नरक मत भेजा करो प्रभु। भगवान कहते तेरे पिताजी का नाम क्यों कहते हो, बोले त्रि सप्त भी पिता पुत, तेरा तो 21 पीढ़ी उधार हो गए, 21 पीढ़ी भगवान तक पहुंच गए, इसलिए इसकी इसलिए बोले तेरे वंश में कोई भी आएगा, तेरे पिताजी का तो उद्धार करूंगा ही, तेरे वंश में कोई आ जाए, दुष्ट से दुष्ट क्यों नहीं हो, मैं कभी मारूंगा नहीं। इसलिए बाणासुर को मारे नहीं, बलि को उन्होंने भक्ति दिया, कोई भी उनके वंश में जो आए उनको उन्होंने भक्ति प्रदान किया, प्रेम प्रदान किया। इसका मतलब अगर किसी वंश में अगर कोई एक भक्त जन्म ले जाए ना, शुद्ध भक्त, उसका इतना लाभ। बोले ठीक है, और कुछ चाहिए, देखो कितना कितने बड़ी वस्तु उन्होंने मांगे। बोले प्रभु और एक चीज दे दोगे, बोले बोलो। बोले ये ब्रह्मांड में जितने जीव दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, इनके सारे पाप को मेरे को दे दो, सारे पाप मेरे को दे दो, मैं करोड़ों काल के लिए नरक में जाकर इनका सारे पाप को भोग करूंगा, लेकिन इनको अपना चरण में स्थान दे दो, अपना वैकुंठ में इनको स्थान दे दो। भगवान बोले प्रहलाद इतनी दया तुम्हारे हृदय में, अगर तुम्हारी ऐसे इच्छा है ना, तेरे को पाप लेने का कोई जरूरत नहीं। क्यों, मेरा एक ब्रह्मांड नहीं, मेरा अनंत करोड़ों ब्रह्मांड है, अगर तुम्हारी अगर ऐसे इच्छा है ना, एक ब्रह्मांड को मैं हैं अपना चरण में, एक ब्रह्मांड को एक चरण में स्थान दे दूंगा, लेकिन तुमको इस पाप लेने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए एक ब्रह्मांड को उन्होंने पूरा उधार कर लिया, उधार करके अपना वैकुंठ में स्थान दे दिया। मतलब इतने बड़े भक्त श्री कौन है, श्री प्रहलाद महाराज। इसलिए इनका नाम क्या है, अरे बोल, प्रहलाद महाराज की जय। इसलिए इनका नाम प्रहलाद, प्रहलाद मतलब क्या, प्र प्र मतलब पूर्ण रूप में, लाद मतलब आनंद, जो हर समय जो आनंद रहता है। भगवान की भक्ति करोगे तो आनंद में रहोगे, भगवान की भक्ति करोगे आनंद में तो रहोगे, भगवान की भक्ति से हैं। इसलिए इसलिए इनका नाम श्री प्रहलाद महाराज। प्रहलाद हुए कैसे, बोले अगर किसी संतों की कृपा हो जाए आपको ऊपर में, किसी साधु को कृपा हो जाए, बस आनंद ही आनंद है, हैं, आनंद ही आनंद। इसलिए नारद जी की कृपा इनके ऊपर हुई, इसलिए इनको इतने आनंद की प्राप्ति हुई। बोले श्री प्रहलाद महाराज की। खैर हम लोग कल सुनेंगे ये प्रहलाद महाराज की, कल और कुछ महिमा है, फिर हनुमान के पास में जलेंगे। हनुमान जी बोले कि भक्त देखना तो किसको पास में जाओ, हनुमान जी के पास में। कल हम श्री हनुमान जी को पास में जाएंगे। आज हाँ बोलो, आ जाओ। आज श्री विजयादशमी क्या है, विजयादशमी। आज भगवान ने किसको पर विजय प्राप्त किया, लंका में रावण को ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त, श्री रावण को ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त किया है। इसलिए आज का दिन है ना, हमारी गुरु जी की मठ में आज विजय प्राप्त किया, कितना दिन के बाद में विजय प्राप्त किया। इसलिए आज हमारे गुरु जी की मठ में क्या करते हैं, जैसे बंदर के ऊपर में ठाकुर जी खुश हो गए, क्यों, बंदर सैन्य को लेकर के, तो भालू बंदर को लेकर तो प्रभु ने विजय प्राप्त किया ना, इसलिए ठाकुर जी सबको महोत्सव दिया, सबको बढ़िया उन्होंने प्रसाद महोत्सव दिया, सबको बढ़िया बढ़िया उन्होंने भोजन करवाया। और हमारे गुरु जी आज का दिन हमारे मठ में जितने ब्रह्मचारियों को नया कपड़े, नया कुर्ता, नया चादर, जितने सब भक्तों को सब नए 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 सब कपड़ा देते हैं, क्योंकि आज भगवान ने प्रसन्न होकर बंदर भालुओं को उन्होंने सब खा लिया। इसलिए आज विजय हुआ है, किसको ऊपर में, अधर्म को ऊपर में, धर्म की विजय, अधर्म को ऊपर में रावण, ये अधर्म भगवान राम धर्म है, इसलिए धर्म आज अधर्म को ऊपर में आज विजय प्राप्त किया है। इसलिए हमारे चिराग प्रभु जी हैं, चिराग प्रभु जी कुछ कथा सुनाए। हाँ तुम लोग देखो, इसलिए इसको रोज खड़ा करता हूँ, तुम जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, हाँ, इसलिए तुम्हारी अंदर में भी ये भावना आए, हम भी ऐसे ऐसे भगवान की प्यारी प्यारी कथा सुनाएंगे, ठीक है ना।
इसलिए ये मत समझो हम घर में रह रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं हम क्या कथा, नहीं। अब YouTube खोल कर ना इतना छोटे छोटे 10-10 साल के बच्चे पूरी भागवत कथा सुनाते, पूरी रामायण सुनाते, छोटे छोटे बच्चे देखना, खोल कर देख लेना, ठीक है ना। इसलिए जितना बड़ा सोच तुम्हारी होगी ना, जितने बड़ी सोच होगी, पहले तुम्हारी सोच बड़ा होनी चाहिए हैं। अगर सोच बड़ी होगा ना, कोई बाधा तुमको बाधा नहीं दे सकता है। अगर तुम्हारे अंदर भी कोई सोच ही नहीं, मरे हुए सोच है, हम क्या कर सकते, पहले ही मर गया हैं, जो पहले ही मर जाता है वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए तुम्हारी जो सोच है, उतना बड़ा वो व्यक्ति बन सकता है जिसका सोच ज़्यादा हो। जैसे कोई इंजीनियर डॉक्टर करोगे, 10 साल पहले लक्ष्य रखते हो, हमें इंजीनियर बनना, हमें डॉक्टर बनना, हमें सीए बनना, फिर जाकर के वो चीज़ को कोई प्राप्त कर सकते। जिसकी सोच बड़ा नहीं, वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। जिसकी सोच बड़ा है वो बड़ा हो सकता है। इसका सोच बड़ा था, क्योंकि इसको सोच है ना, ये भी सोचता था, मेरे को भी बोलता मैं बढ़िया कथा बोल सकता हूँ ना, मैं बढ़िया कथा बोला कि उसको कथा बोलने में सोच है, हम अच्छी कथा बोलेंगे, दुनिया की कथा, दुनिया की बात बैठा दो, सारा दुनिया की, इसका बहू यही सीखी, उसको बेटी ने यही सीखी, ए बाबा झरी लग जाती है। इसलिए उसको बदला दो, बदला करके क्या बोलेंगे, भगवान की गुण महिमा को गाएंगे। ठीक है बच्चों, ऐसी भावना आए हम भी बढ़िया भगवान की किसका गुणगान करेंगे, ठाकुर जी का गुणगान, भगवान की गुणगान करेंगे, ठीक है ना। जैसे तुम्हारे अंदर में पहले रकेट का पीछे आग लगती है ना, तो वो जाती है आकाश में, इसलिए पहले आग लगाना पड़ेगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुरा वंदे वाल्मीकि कोकिलम् आपदां परहर्तारं दातारं सुखसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं अपने परम परमाराध्य सद्गुरुदेव पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणिपात करता हूँ। श्रीमन महाप्रभु समेत समस्त गौर परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णविया आप सभी को मैं बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि आज विजयदशमी के इस दिव्य पावन पावन उत्सव पर पावन पर्व पर मैं कुछ इनका इनके द्वारा ही प्रस्तुत प्रसाद को आप तक वितरित कर सकूं। देखिए आज भगवान राम ने श्री भगवान ने रावण को मारा। ये विजय धर्म पर अधर्म पर धर्म की विजय ही विजयदशमी है, क्योंकि राम जी कौन है, रामो विग्रहवान धर्म, प्रत्यक्ष धर्म ही राम है, प्रत्यक्ष धर्म ही राम जी है और अधर्म रावण, उस पर विजय धर्म की ही अधर्म पर विजय विजयदशमी। महाराज जब रावण को भगवान ने रावण का मर्दन कर दिया, रावण को मार दिया, तो रावण भूमि पे गिरा हुआ था। जब भूमि पे गिरा तो राम जी ने लक्ष्मण को कहा, जाओ ऐसे दिव्य विद्वान से कुछ ऐसी फल के कुछ ऐसी श्रुति की पंक्तियां तुम्हें मिलेगी, कुछ ऐसा सार मिलेगा जिस सार से तुम बहुत 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 ज्यादा अपने आप को किसी भी संकल्प में परिनिष्ठित कर पाओगे।
तो महाराज जब लक्ष्मण जी गए और राम जी उनके समीप गए तो राम जी ने रावण से कहा, रावण मेरे पास तुमसे सेना कम थी, मेरे पास तुम्हारे जितनी सेना भी नहीं थी, तुम्हारे पास मुझसे बहुत गुना अनंत गुना सेनाएं तुम्हारे पास थी, मेरे पास इतने अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे, तुम्हारे पास शंकर के दिए हुए, ब्रह्मा के दिए हुए, महाराज वरुण कुबेर इत्यादियों के दिए हुए बड़े बड़े दिव्यास्त्र थे, वायवास्त्र थे, महाराज अन्य अन्य प्रकार के अस्त्रों से तुम्हारे तरकश की शोभा हो रही थी, पर फिर भी मैं कैसे जीत गया और तुम कैसे हार गए। रावण ने एक ही शब्द कहा, प्रभु मैं अधर्म के पक्ष में था और आप धर्म के पक्ष में थे, केवल यही कारण था कि मैं जीत गया। प्रभु दूसरा कारण, धर्म के पक्ष में थे और मैं अधर्म के पक्ष में था, ये तो है, पर दूसरी बात, आप नीति पारायण प्रभु हैं और मैं नीति विरुद्ध कार्य कर रहा था। नीति क्या है? नीति यही है, सुमीरिये गाइये सुमीरिये रामहि गाइये रामहि और रामहि भजहि राम गुण ग्रामहि गाइये रामहि। भगवान को गाना, भगवान का स्मरण करना, भगवान के पाद पंकज की सेवा करना, भगवान के भक्तों में अपना अपना पूर्ण पूर्ण विश्वास प्रस्तुत करना है, यही नीति है, यही धर्म। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी कवितावली में एक बहुत सुंदर छंद लिखा है, उन्होंने अपनी दिनचर्या लिखी है कि मैं क्या करता हूँ और क्या करने से एक व्यक्ति की शोभा उज्ज्वल होती है। वो लिखते हैं, सुनो कान दिए नित नेम लिए रघुनाथ ही के गुण गाथ ही रे, सुख मंदिर सुंदर रूप सदा उर आनी धरे धनु भाथ ही रे, रसनानी सी बासर सादर सो तुलसी जपू जान की नाथ ही रे, कर संग सुशील सुसंतन सो तजी कूर कुपंथ कुसाथ ही रे, करु संग सुशील सुसंतन सो तजी कूर कुपंथ कुसाथ ही रे। सुनु कान दिए नित नेम लिए रघुनाथ ही के गुण गाथ ही रे, अपने कानों को केवल और केवल श्री भगवान के गुणगणों को सुनने में लगा दिया मैंने। सुख मंदिर सुंदर रूप सदा उर आनी धरे धनु भाथ ही रे, जो दिव्य श्री जानकी जी के साथ दिव्य रूप से सुशोभित हो रहे हैं, राम वाम दिसी जानकी लखन दाहिनी ओर निकट वीर हनुमान है नमन करो कर जोर। महाराज ऐसे दिव्य राम दरबार की झांकी का अवलोकन करते करते जिसमें श्री रघुपुंगम श्री जानकी जी के साथ श्री जनक नंदिनी के साथ दिव्य सिंहासन पर सुशोभित है, ऐसी दिव्य मंगल मूर्ति झांकी को देख करके ही मैं अपना दिवस बिताता हूँ। रसनानी सी बासर सादर सो तुलसी जपू जानकी नाथ ही रे, अपनी रसना से अपनी जीव से निरंतर निरंतर श्री जानकी जीवन का नाम उच्चरित करता रहता हूँ। करु संग सुशील सुसंतन सो तजी कूर कुपंथ कुसाथ ही रे, अरे कूर कुपंथ कुपंथ का परित्याग करके महाराज और केवल संतों की संगति ही करता हूँ, यही मेरे जीवन की दिनचर्या, यही मेरी दिनचर्या है और इससे मेरा जीवन महाराज प्रफुल्लित हो जाता है। जिनकी चरणों में साक्षात श्री हनुमान जी सेवा को दे रहे हैं, अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो, अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो, जन्म से जगी जठर की ज्वाल गगन में मारी एक छलांग, ग्रसे रवि पाल समझ फल लाल आपकी जय हो जय हो जय हो, अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसे श्री हनुमान जी जिनके चरणों में महाराज प्रस्तुत है,
ऐसी दिव्य छटा को देख करके मेरा मन आह्लादित और प्रफुल्लित हो जाता है। बस इन्हीं को देख करके ही मैं अपना अब इनकी दिव्य झांकी का अवलोकन करते ही मैं अपना दिवस बिताता हूँ। महाराज आज विजयदशमी है, रावण का संहार श्री भगवान ने किया। देखिए रावण को साधारण मत समझिए। जब कुंभकर्ण महाराज जब कुंभकर्ण रावण के पास आया, रावण से कहा कुंभकर्ण ने क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि आज विपत्ति लंका पर टूट पड़ी है और तुम जाओ और जाकर के उन दोनों भाइयों का मस्तक गेंद की तरह उछालते हुए मेरे पास ले आओ। तो कहा कुंभकर्ण ने कि क्या हुआ, ऐसा क्या कारण हो गया, आपने क्या किया। तो उन्होंने कहा मैं उनकी पत्नी जानकी को हर लाया। जैसे ही कुंभकर्ण ने यह सुना तो महाराज कुंभकर्ण ने कहा जानकी जी को ले आए हो, साक्षात जगदम्बा का हरण कर लाए हो, तुम्हारी मति कहां पे अटक गई। तो रावण ने कहा चुप रह, तू मुझे क्या बताएगा, मैं जानता हूं वे कौन है। जानामि, महाराज हनुमान नाटक का ऐसा अद्भुत श्लोक है, इस पर टीका विशेष हो सकती है। जानामि रामम जानामि सीताम जनक प्रसूति जानामि रामम मधुसूदनोपि अरे वधम च जानामि निजम दशास्यो तथापि सीताम न समर्पयामि। अर्थात मैं जानता हूं जानामि सीताम जनक प्रसूति, मैं जानता हूं ये वही जनक नंदिनी जानकी है कि जब इंद्र की सभा में पहुंचे तो इंद्र अपना आसन छोड़ करके इनकी पाद पंकजों की सेवा में आलोड़न प्रलोड़न करता हुआ महाराज मस्तक नवाता हुआ चरणों में गिर जाए। जानामि रामम मधुसूदनोपि, ये वही राम है जिन्होंने मुझसे भी 1000 गुना बल वाले मधु नाम के दैत्य का संहार कर दिया था। अच्छा ये तो जान गया, इधर आकर को एक और बात बता देता हूं, बड़ी गुप्त बात है। कुंभकर्ण ने कहा क्या, बोला वधम च जानामि निजम दशास्यो परंतु तथापि सीता न समर्पयामि, मैं जानता हूं मेरा वध भी इन्हीं के ही हाथों होना है पर उसके बाद भी सीता को तो नहीं होना। क्यों, क्योंकि यदि ऐसे ही दे दिया तो अपयश का मुंह देखना पड़ेगा, लेकिन अगर इनके हाथों से मरा तो महाराज कम से कम मुक्ति तो प्राप्त होगी ही होगी। अनुकूलस्य मुक्ति ही अनुकूलस्य भक्ति ही प्रातुकूलस्य मुक्ति ही, अनुकूलता होगी तो कम तो ज्यादा से ज्यादा महाराज भक्ति प्राप्त हो जाएगी, लेकिन अगर मान लो प्रतिकूलता होगी तो कम से कम मुक्ति तो मिल ही जाएगी। इस कारण से तो कुंभकर्ण तब समझ गया, समझते ही कुंभकर्ण महाराज युद्ध के लिए पहुंच गया और उसका भी भाषण भगवान ने किया। अच्छा एक और बात, जब राम रावण संग्राम महाराज अतिशय उच्चृंखल पे पहुंच गया था, महाराज अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा में देवता आकाश में खड़े थे, शंकर अपनी भोहों को स्थगित करके बैठे थे, ब्रह्मा जी कमलासन पर माला मुद्रा को धारण करके विराजमान हो रहे थे, इंद्रादि देवता समस्त महाराज राम और रावण के इस दिव्य अद्भुत प्रसंग को देख करके अपने जीवन के दिव्य दृश्यों को उपमायमान हो रहे थे और महाराज गंधर्व किन्नर नाग इत्यादि समस्त श्री भगवान के दिव्य कौशल चरित्र को देख करके आच्छादित और आह्लादित हो रहे थे। उसी बीच में जब भगवान राम ने महाराज सामने रावण था और यहाँ पे राम थे, तो रावण ने महाराज राम जी ने जब उनकी अनंत सेना का संहार कर दिया तो रावण को गुस्सा आया। जब रावण ने देखा कि रावण वहां को स्वामी तुलसीदास कह रहे हैं समर भूमि दस कंधर कोप्यो बरसी बाण रघुपति रथ तोप्यो, मतलब जब श्री राम को देख करके रावण जब श्री राम को देख रहा था तो रावण देख रहा था कि सूरज की ताप श्री भगवान के मंगलमय कपोलों को महाराज गर्म कर रही है, ये इनसे महाराज ये जो गरम गरम सूर्य की किरण है ये इनके दिव्य मंगलमय कपोलों पर पड़ रही है। तो रावण ने क्या किया, उस सूर्य की किरण को भगवान को छाया देने के लिए खूब सारी बाण छोड़ी और जब वो बाण छोड़े तो ऐसा दिव्य छत्र प्रस्तुत हो गया और राम जी ने देखा मुझे छाया देने के लिए इसने बाण की वर्षा करी है। तो भगवान ने कहा कि रावण तुमने मुझे सुखी कर सुख प्रदान करने के लिए बाण की वर्षा करी है, मैं तुम्हें निर्वाण की वर्षा करता हूं, और तुरंत रावण का निर्वाण हो गया। देख रहा है रावण साधारण है, एक एक
बात को जानता है, परंतु महाराज होनी रही भावी प्रबल, जो होनी है वो श्री भगवान के दिव्य, महाराज भगवान जो कराते हैं वही, केवल श्री राम ने कैसे चरित्रों का दिव्य महाराज अनुसरण अनुकरण करना चाहिए, इसकी दिव्य झांकी को प्रस्तुत करने के लिए ये दिव्य चरित्र किए हैं। महाराज लंकेश का भी, लंकेश कोई साधारण नहीं था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन उस लंकेश, देखिए गुरुदेव कभी कभी कथा में कहते हैं कि ज्यादा पैसा हो जाएगा, लंका की तरह अथा वैभव हो जाएगा तो भी क्या हमें सुख मिलेगा। जब तक श्री भगवान से व्यक्ति विमुख है तब तक उसको अथा लक्ष्मी भी सुखी नहीं कर सकती है, इसका प्रमाण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री कवितावली जी में इसको लिखा है। देखिए रावण के पास अथा संपत्ति थी, वेद पढ़ने के लिए ब्रह्मा इत्यादि आते थे। जय महाराज जब एक बार क्या हुआ, श्री जानकी जी को देख करके ये ऐसा मुग्ध हो गया कि जब इसके पास देवता आते थे तो रावण महाराज दिमाग खराब हो जाता था इसका, जोर से डांटता था, इंद्र बृहस्पति जड़मते नैशा सभा पचरणा, ये तेरे बृहस्पति तू चुपचाप वेद का पाठ कर, ये तेरे चेला इंद्र की सभा नहीं है जो यहाँ पर जोर जोर से वेद पाठ कर रहा है। क्यों? क्योंकि सीता हरल्लक भल भक्त मनसा स्वस्थो न लंकेश्वरः। अरे सीता जी के दिव्य नैन कटाक्ष के बाण रूपी भाले ने मेरे हृदय को ऐसा छेदन कर दिया कि अब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। महाराज ऐसा दिव्य ज्ञानी था श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है उसके विषय में, वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पुजावन रावण सोनित आवे, दानव देव दयावन दीन दुखी दिन दूर हित सिर नावे, ऐसे हूँ भाग भगे दस भाल ते जो प्रभुता कवि को विद गावे, राम से बाम भये ते ही बाम सबे सुख संपत्ति लावे, राम से बाम भये ते ही बाम सबे सुख संपत्ति लावे। महाराज जी वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पुजावन रावण सोनित आवे, वेद पढ़ने के लिए ब्रह्मा और शंकर महाराज पूजन शंकर जी को कहते थे, रावण आ जाओ यहीं पे ही तुम्हारी पूजा कर लूंगा, क्या कैलाश तक चलूंगा। महाराज शंकर जी दौड़े रावण के पास आते थे, पूछ ले भैया मुझे यही पूछ ले, ऐसा था रावण की पराक्रम। महाराज जब उठाया आज भी उनके दिव्य तांडव स्तोत्र जो रावण की साक्षात रचना है, जटाट विगल जलम प्रवाह पावित स्खल कलेव लंब लंबिता भुजंग तुंड मालिका, दमट 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 विना डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम, धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरम वचन दिगंब संतति प्रमोद मान मान से। महाराज ऐसा दिव्य दर्शन देखो, ऐसे शंकर प्रतीत हो रहे हैं कि धगत 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 जले ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षण ममा, जैसे शंकर जी के समीप में महाराज कोई जाता तो उनकी बोहे उनका तीसरा नेत्र जब खुलता तो धगत 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 जले ललाट पट्ट पावके उनके ललाट पे महाराज ज्वालाओं की दिव्य वर्षा प्रस्तुत हो जाती है। वो मंगलमय झांकी का दर्शन करके रावण ने ऐसे दिव्य स्तोत्र का महाराज प्रस्तुत कर दिया है। वो कह रहा है रावण कि भैया जिनको पूजवाने के लिए शंकर के आ जाते थे, भैया मुझे यही पूज ले तू कैलाश पता, क्योंकि एक बार आकर के तो तूने उठा करके कांड कर दिया, अब तो मैं ही आ जाता हूं तो मुझे यही पूज ले। और महाराज दानव देव दयावने दीन दुखी दिन दूर हित सिर नावे, इंद्र चंद्र वरुण कुबेर यक्ष गंधर्व नाग इत्यादि समस्त रावण को दूर से दंडवत करते थे, दंडवत रावण हमें सता मत। महाराज जी देखो, और ऐसे हूँ भाग भले दस भाल ते जो प्रभुता कवि कोविंद गावे, ऐसा भाग्य भी जिसकी प्रभुता कवि गाते हैं
उस रावण को छोड़कर भाग गया। ऐसा भाग्य भी भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि राम जी से विमुख होने पर सारी संपत्ति उस व्यक्ति से विमुख हो जाती है जो श्री रघुवीर से विमुख हो जाता है। ऐसी संपत्ति किस काम की जो श्री रघुवीर से विमुख करा दे? अथवा ऐसी संपत्ति की क्या शोभा है महाराज जो भगवान से विमुखता में अपने पास हो? इस कारण से रावण सहज नहीं था महाराज। राम जी चाहते तो रावण को उधर संकल्प करके महाराज अपने लोक से ही रावण का दहन कर देते, परंतु इस रावण वध प्रसंग से कितनी शिक्षा हम लोगों को मिलती है कि केवल और केवल यही शिक्षा मिलती है कि भैया धर्म आचरेत तस्य सब प्रतीक्ष प्रसन्नता भवेत। धर्म का जो आचरण करता है उसी के पास महाराज, धर्म का आचरण करने पर ही श्री कृष्ण पांडवों के पास आते हैं, धर्म का आचरण करने पर ही शबरी जी के पास राम जी आते हैं महाराज, धर्म का आचरण करने पर ही श्री हनुमान जी के हृदय में श्री भगवान विराजित होते हैं। भैया भगवान दिव्य श्री सीताराम जी जब दशकंध को मार दिया श्री भगवान ने, उसकी नाभि में अमृत कलश को लक्षित कर दिया। अच्छा, नाभि में अमृत कलश को लक्षित कर दिया का क्या भाव है कि उसकी नाभि में अमृत कलश था और भगवान ने विभीषण के कहने से उसको लक्षित करके मार दिया, तो विभीषण की यहाँ ग्लोरिफिकेशन हुई, राम जी की क्या ग्लोरिफिकेशन हुई? राम जी को क्या? केवल इसीलिए, इसके पीछे महाराज इतना बड़ा रहस्य है। विभीषण ने कहा प्रभु मैं ऐसी उत्तम सेवा करना चाहता हूँ जो दिग्दिगंतर तक पूरा का दिग्दिगंतर तक कोई और चाहे स्मरण करे ना करे, परंतु आपके मानस पटल पर सदैव मैं आपके चरणों में हूँ ऐसी स्मृति बनी रहे। तो भगवान ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, छाड़े सर 31 श्री भगवान के लिए कहा है, छाड़े सर 31 31 तीर छोड़े हैं महाराज राम जी ने जब अंत में रावण को मारने के लिए, लेकिन उस 31 तीर के अंदर जो एक बीच का तीर था उसमें श्री राम जी समझ नहीं पाए, क्योंकि विभीषण को वचन दे रखा था कि मैं तुझे ऐसा दिव्य अमृत फल प्रदान करूंगा। तब भगवान ने कहा विभीषण तुम्हारी सेवा का समय आ गया है, आ जाओ। तब विभीषण ने बताया प्रभु उसकी नाभि में अमृत कलश है। तो महाराज जब श्री भगवान ने ऐसा मारा बाण उसकी नाभि में, तो देव देवांतर देव देवांतर समस्त अपनी सारी की सारी शुभाशीष महाराज उस बाण पे छोड़ करके सारे देवता श्री भगवान का वंदन करते हुए उस बाण पर अपनी सारी मंगलाहुति दे करके सारे के सारे राजा जो उससे पीड़ित है सबकी महाराज दिव्य कर्कशता उस बाण पे प्रफुल्लित होकर के जब जाकर के दशकंदर की नाभि में गई, तो महाराज जब उसके प्राण निकल गए वहां पे दिखाया है ये जो रामानंद सागर वाले की उसकी उस बार बाद में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, परंतु ब्रह्मास्त्र का प्रयोग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं लिखा है, ना गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, वो जो है वो अध्यात्म रामायण से लिया गया है। केवल एक नाभि में मारते ही उसका महाराज उसके प्राणों का हनन हो गया। बोले पतित पावन श्री भगवान की जय। ऐसे श्री भगवान महाराज दशरथ नंदन जनक किशोरी दोनों के दोनों दिव्य सिंहासन पर बैठ रहे हैं और महाराज देव का स्तुति कर रहे हैं। भजो दशरथ नंदन जनक ललित, भजो दशरथ नंदन जनक ललित, भजो दशरथ नंदन जनक ललित, हाँ जनक ललित मिथिलेश की ललित, भजो दशरथ नंदन जनक ललित। ऐसे दिव्य श्री भगवान के दिव्य चरणों में बार बार प्रणिपात करता हुआ वाणी को यही विराम देता हूँ। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राधे बल रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन, जय रघुपति राघव राजा राम।
पतिता पावन सीताराम जय रघुपति हमारे दोरीलाल पर दिया है। मेरे को नाम है सरकार मिला तो ठाकुर से एक बार
श्री राम प्रभु की जय। हम लोग ताली नहीं बजाए इनके लिए। जय श्री गुरु।